नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और एक बार फिर से स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और आप देख रहे हैं सुंदर सुंदर से फूल, सर्दियों के फूल हैं ये, और गुलदावदी काफ़ी सुंदर तरीके से खिल रही है। इसमें कई सारे कलर्स हमारे गार्डन में मौजूद हैं और इनकी जो रंग है वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही प्यारे खिल रहे हैं सारे के सारे। ये देखिए, ये येलो वाला है, ये मरून वाला है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए शुरू करते हैं वीडियो, और आज मैं दिखाता हूँ हमने कुछ काम करने हैं। काम क्या करने हैं वो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। ये देखिए, ये ना मेरे कुछ डोरमेंसी में जो चले गए हैं प्लांट वो हैं। आज मैं साफ़ सफाई का काम हमारा चल रहा है, और जो सूखे पत्ते नीचे गिर जाते हैं उनकी साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी रहती है। तो ये सारी साफ़ सफाई करेंगे, और फिर कुछ पौधे हमने शॉपिंग किए थे, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में दिखाया था, वो उनको रिपोर्ट भी करेंगे। और ये मेरे जो डोरमेंसी में चले गए हैं प्लांट, उनको अब ध्यान रखने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो पाला पड़ेगा उसमें ये ख़राब होने के इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ओस भी पड़ती है, पाला भी पड़ता है, तो इनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या सोचा है कि जो मेरी स्टैंड है उसके नीचे इनको रख देता हूँ। इससे क्या होगा कि इनके ऊपर डायरेक्ट जो ओस है वो नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास अलग से कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं इनको सबको रख पाऊँ। कुछ पौधे तो मैंने रखे हैं, और ये कुछ जो बच गए थे वो ये पौधे मैंने जो स्टैंड है हमारा उसके नीचे रख दिए हैं, ताकि यहाँ पर इनको डायरेक्ट जो है वो पाला नहीं लगे और ओस इनके ऊपर ना लग पाए। कुछ और पौधे हैं मेरे पास, जो ये स्टैंड आप देख रहे हैं ना, खाली हो गया है, तो उनको मैंने अंदर जो मेरा एक जो जिनने का जगह है, स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ, उनमें मैंने उनको रखा है। ये देखिए, इस तरह से जो मेरे कोलियस के प्लांट थे, और भी काफ़ी सारे प्लांट हैं जैसे क्रोटोन के हैं, वो सारे प्लांट मैंने अंदर नीचे रख दिए हैं अपने स्टेयर्स के साथ में, क्योंकि यहाँ अंदर ही रहेंगे, इनको सनलाइट भी मिलती रहेगी और इनको पाला भी ख़राब नहीं करेगा। हालांकि मैं काफ़ी देर कर चुका हूँ रखने में, कुछ पत्ते वगैरह इनके गिर गए हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कुछ तो इनका बचाव हो गया ही ज़रूर। और जितने ही डोरमेंसी वाले प्लांट हैं उनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है सर्दियों में। तो ये यहाँ से मैंने सारे इनको खाली किया है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मटका मेरा जो आप देख रहे हैं, इसमें मैं सूखे पत्ते जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इकट्ठे करके रखता हूँ, और लीव कंपोस्ट उनसे तैयार हो जाता है। तो अब शुरुआत करते हैं हम जो हमारे प्लांट थे जो लाए थे उनको रिपोर्ट करने का। और ये कुछ गमले मेरे पास खाली पड़े हुए थे, तो मिट्टी को दोबारा से तैयार करना है। और ऊपर आप देख रहे होंगे ये जो खाद होती है अपनी गाय के गोबर की, वो है, और ये काफ़ी पुरानी है और काफ़ी भुरभुरी भी है, अच्छी खाद है ये। तो इससे क्या होगा कि जो प्लांट है हमारे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, और जो फ्लावरिंग है वो भी अच्छी रहेगी। तो ये कुछ प्लांट हैं जो हम लगाएंगे, अब रिपोर्ट करेंगे। और मिट्टी को हमने रिचार्ज कर लिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमारे जो प्लांट हैं वो लगाए जाएंगे। और मेरे पास ये पॉट है, सेलो पॉट, ये काफ़ी चौड़ाई में अच्छा है, गहराई कम है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास ज़्यादा पॉट तो है नहीं, एक पॉट में मैं 3-4 पौधे लगा रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि एक पूरा गुलदस्ता सा बन जाएगा, तो ये अच्छा भी लगेगा, और मेरे जो कम पॉट्स हैं मेरे उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। तो 3 प्लांट मैं एक में लगा रहा हूँ, ये इम्पेशन के प्लांट मैंने इसमें तीनों एक ही में लगा दिए हैं। ऐसे ही मैंने ये दूसरे वाले डॉग फ्लावर के जो प्लांट हैं वो भी ऐसे लगाए हैं, और ऐसे ही मैं वर्बिना के जो प्लांट हैं वो लगा रहा हूँ।
ये देखिए, ये मेरा ना एंथूरियम का पौधा मैंने बाय किया था, और इस पौधे को मैं रिपोर्ट करूँगा अभी, क्योंकि ये बहुत ही छोटे पॉट में है और ये काफ़ी मतलब जड़ भी इसकी रूट्स आप देख रहे होंगे ऊपर दिख रही है, तो इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। ये वर्बिना की मैं बात कर रहा था, तो वर्बिना वाले जो पौधे हैं, हमने तीन जो प्लांट हैं वो एक में ही लगा दिए हैं। ये लगभग 14 इंची का पॉट है मेरा और इसमें तीन पौधे आराम से लग गए। अब ये ना बड़े जब थोड़ी सी ग्रोथ इनकी हो जाएगी तो ये पूरा गमला जो है वो भर जाएगा और इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी दिखेगी और इनके जो फ्लावर हैं वो ऐसे लगेगा कि जैसे एक ही पॉट में तीन तरह के फ्लावर खिल रहे हैं। तो ये फ़ायदा रहता है कि सुंदर दिखता है हमारा जो पौधा है और जो प्लांट है। और सारा काम ख़त्म करने के बाद अब देखिए, ये मैंने ना जो आपको दिखाया था एंथूरियम, इस तरह से इसको रिपोर्ट किया है और सारे प्लांट मेरे मैंने रिपोर्ट करने के बाद इनको रख दिया है। इनमें अब वाटरिंग भी की है और ये मैंने ऑनलाइन बाय किया था, आप देख रहे होंगे ये वाला जो रबड़ का प्लांट है, इसको भी आज रिपोर्ट किया है। काफ़ी दिन हो गए थे इसको रखे हुए, जो मिट्टी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो आज सोचा कि इसको भी रिपोर्ट कर दूं। तो ये सारे के प्लांट मेरे लीलियम के तीन पौधे थे मेरे पास, वो तीनों मैंने एक ही में लगाए हैं। तो कुछ इस तरह से अब जो गार्डन है हमारा वो थोड़ा सा दिखने लगा है। कॉस्मोस के फ्लावर भी अब खिलने लगे हैं, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना। पहली बार मैंने कॉस्मोस लगाया है और ये बंचेज में आते हैं, जो मेरे रोज़ है ना बंच होता है इनका। और इनके सबसे अच्छी बात यह है कि इनके जो फूल हैं वो डे बाई डे कलर चेंज करते रहते हैं। ये जरबेरा का प्लांट है, ये मेरी इधर पेंजी हैं, बड़े खूबसूरत, ये भी मैंने एक एक में तीन तीन लगाए हुए, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं आज, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस तरह चैनल को अपना सपोर्ट और प्यार दीजिएगा, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।